हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बता रही हूँ। जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, आज हम इस सलवार के कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसकी वीडियो पहले ही कटिंग की वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, आपको आप देख लीजिएगा। देखिए ये मेरे खुले पल्ले हैं, ये कलियाँ हैं, ठीक है आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पार्ट को उठाना है और जो उसका बॉटम है आपको सीधा उसके ऊपर रखना है, और दोनों सीधी साइड कपड़े की होनी चाहिए, ठीक है। जो अंदर है कपड़े की सीधी साइड है और रॉन्ग साइड ऊपर आएगी। तो कलियों को आपको बड़े वाले पार्ट से मिलाकर इक्वल रखना है अच्छी तरीके से, और आपने यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले कपड़े को अच्छे से भी रखिए और देखिए आपको कौन सा बराबर वाला पार्ट है जो एकदम इक्वल आ रहा है। और आसन देख रहे हो कि आपको इस साइड जा रहा होगा बाहर की तरफ, और आपने किनारे पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से आपने सलवार की स्टिचिंग करोगे, सलवार के पार्ट जोड़ोगे। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी जोड़ोगे, सेम टू सेम कलियां जो है उसके ऊपर रखोगे दूसरी, और हम उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा दोगे। और बेल्ट की भी स्टिचिंग में बताती हूँ। सबसे पहले बेल्ट स्टिच कर लेते हैं। 6.5 पर आप निशान लगाओगे, उसके बाद आपने एक सीधा ड्रॉ करना है। यहाँ से मैं 1.25 इंच जितना मार्जिन ले रही हूँ, 1.25 इंच जितना मार्जिन मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि फोल्डेड में कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए, और ये बड़ा साइज़ की सलवार की जो है स्टिचिंग हो रही है। तो जहाँ पे चौक का निशान है आपने सीधा उस पर सिलाई मशीन चलानी है, ठीक है। एकदम सीधा सीधा आप सिलाई मशीन चलाओगे, उसके बाद डबल सिलाई लगाते हैं इस वाले एरिया पर। तो आपने डबल करके चौक वाले निशान पर सिलना है। सिलने के बाद आपने उसको ऊपर से फोल्ड करना है, दोनों साइड से फोल्ड करना है अच्छी तरीके से। पहले एक छोटा सा फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद इस पर किनारों पर सिलाई लगा देंगे। किनारों पे सिलाई एकदम फिनिशिंग से आनी चाहिए, और आपने सीधी सीधी एक सिलाई लगा देनी है फोल्ड करते हुए। सिलाई लगाने के बाद आपने ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिलाई को पक्का ज़रूर कर लीजिएगा, एंड में लॉक कर लीजिएगा। ऐसे ही अब आपने दूसरी साइड से भी सेम टू सेम कपड़े को फोल्ड करना है, और जैसे आपने उस साइड सीला ऐसे आप इस साइड भी सेम टू सेम स्टिच करेंगी। देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर कोई धागा वागा आ रहा है तो उसको कटिंग करके आप अलग से रख लीजिए, हटा दीजिए। अब आपने इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है दोनों तरफ से बराबर आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आप ऊपर से कपड़े को मोड़ेंगी, इसमें नाड़ा डलता है, तो मेरे ऊपर वैसे भी कन्नी थी तो मुझे डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ पर एक ही बार फोल्ड कर रही हूँ, और किनारे किनारे पे जस्ट कपड़े पे मैं चारों तरफ से फोल्ड करती चली जाऊंगी, और उसके अनुसार मैं किनारों किनारों पे सिलाई लगाऊंगी। शुरू में आपने पक्की सिलाई लगानी है। अब आपने किनारों किनारों पे सिलाई लगाते चले जाना है। सिलाई आपकी एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, जैसे इक्वल मार्जिन आप ले रहे हैं चारों तरफ से इक्वल ही मार्जिन आना चाहिए आपका। उसके बाद दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पे पक्का कर लेना है। ये होल होते हैं जिससे नार डलता है। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपकी बेल्ट का ऊपर वाला पार्ट एकदम रेडी है। अब मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसके हिप 52 थे, तो 52 का आप चौथा हिस्सा करोगे
तो कितना आएगा अगर उसका हाफ करते तो 26 आएगा, हाफ करते 52 का देखो 26 आएगा, और उसमें मैंने 4 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग रखी थी, तो इस तरीके से आपने लूजिंग भी रखनी होती है। अब ये नीचे से बॉटम देखिए, सलवार का नीचे का पोंछे वाला बॉटम है और ये ऊपर की वाला पार्ट है। तो अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है पर धागा जो भी आ रहा है एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर लीजिए। अब आपने देखना है कि आपका जो सीधा वाला पार्ट है वो नीचे रहेगा और रोंग साइड आपकी तरफ रहेंगी दोनों, ठीक है। तो अंदर मैंने दोनों सीधे कपड़े हैं और आपने आसन से आसन मिलाते हुए आपने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो आपने सिलाई एक पैर की करके लगानी है और सिलाई आपने यहाँ पर डबल चाहो तो डबल लगा सकते हो, पक्के धागे की आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सिलाई लगाने के बाद इसी तरीके से दूसरा आसन भी आप जोड़ लेंगे, जैसे आपने पहले वाला जोड़ा है इसी तरीके से दूसरे वाले आसन में भी एक पैर की सिलाई लगानी है आपने सीधा सीधा। अब आप ध्यान रखिए कि जो आपकी आसन वाली साइड है और दोनों आसन वाली साइड है वो एकदम एक दूसरे के मतलब कि बराबर आने चाहिए, क्योंकि अब हम बेल्ट जोड़ रहे हैं। तो बेल्ट लेना है और बेल्ट का जहाँ से आपने नाड़े के लिए बनाया था और आसन का वाला बनाया था वो दोनों आपको एकदम इसके ऊपर रखने हैं और अब आपने बेल्ट जोड़नी शुरू कर देना है। तो प्लेट्स आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जितने आपके हिप थे उसका हाफ करके ही आपने प्लेट्स डालनी है। और ये प्लेट्स जो है उल्टी तरफ से डाल रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे मेरा सीधा साइड है और ऊपर मेरी रॉन्ग साइड है। तो इस तरफ एक तरफ मुँह करके ऐसे आपने यहाँ पर प्लेट्स डालनी है, ये 1 इंच की प्लेट्स आपने यहाँ पर डालनी है। आप कपड़े के अकॉर्डिंग भी प्लेट्स डाल सकती हैं, तो कपड़े को उठाना है और सारे प्लेट्स इक्वल आपने रखना है। नीचे मेरा बेल्ट है और ऊपर मेरा सलवार है और आपने सिलाई करते चले जाना है इसी तरीके से। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन बाद में इजी हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने सलवार की वीडियो अपलोड कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में इतना नहीं बता रही हूँ। अब आपने प्लेस डालनी है, जितना आप आगे डालती जा रही उतना ही आप पीछे डालती भी चली जाएंगी। देखिए इस तरीके से आपने प्लेट्स डालनी है, एक तरफ का मुंह इस साइड आना चाहिए और एक तरफ का इस साइड मुंह आना चाहिए। प्लेट्स इस तरीके से डलेगी। अब आपने इसके बॉटम तैयार करने हैं कि पोंछे, तो पोंछे के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग से भी बनाई के डाल रखी है यूट्यूब पे मेरी क्लास में, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और बुकरम के अकॉर्डिंग काट लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपने, ठीक है। और सबसे पहले जो आपकी सीधी साइड है उसको उसी के ऊपर आपने रखना है, क्योंकि पलट के रोंग साइड चला जाएगा। जहाँ से मार्जिन वाला हिस्सा है आपने वहाँ से बुकरम के एकदम किनारे किनारे पर, एक पैर की भी नहीं बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है और ये सिलाई पक्की होनी चाहिए। तो किनारे किनारे सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके दूसरे वाले पोंछे पे भी आपने सेम टू सेम इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है बुकरम के किनारे पर। फिर ऊपर से आपने फोल्ड कर देना है दोनों पोंछों को। ऊपर से फोल्ड करने के बाद अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अब आपने नीचे भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आप जो भी एक्स्ट्रा था वो हमने फोल्ड कर लिया है, ऊपर से भी फोल्ड करना है क्योंकि पलट के हमारा रॉन्ग साइड चला जाएगा। अब फोल्ड करने के बाद अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पोछे को। सबसे पहले किनारे पर सिलाई लगाएंगे,
ये एकदम बारीक और पक्की सिलाई लगानी है आपने यहाँ पर। उसके बाद अब आपने एक एक पैर का मार्जिन करते हुए सिलाई लगाते चला जाना है। और कपड़े का ध्यान रखिएगा, अंदर से नीचे से मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम प्लेन कपड़ा होना चाहिए। अब आपने एक एक पैर के मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई लगाते चले जाना है सब में। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा पोचा इस तरीके से रेडी हुआ है। रॉन्ग साइड इसकी इधर है और सीधी साइड ये वाली है। फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए पोचे में, क्योंकि पोचे से सलवार अच्छी दिखती है। उसके बाद अब क्या करोगे, सबसे पहले आपने अपने आसन को जोड़ लेना है पिन लगा के बीच में। सिलाई से सिलाई मिलाते हुए एक पिन लगा देनी है आपने। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इससे सलवार घूमती नहीं है। अब आपने अपना नीचे वाला बॉटम को बराबर करते हुए आप अपने अपने मेज़रमेंट लगा लीजिए, जितना भी आपने पोचा रखना है प्लेन करते हुए कपड़े को। तो यहाँ पे मैं पोचा जो है, यानी कि बॉटम जो है, 7 इंच ले रही हूँ। एक मार्क करेंगे 7 इंच पे। 7 इंच पे मार्क करने के बाद 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और लेंगे और आपने एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरीके दूसरे वाले पोचे पर भी, यानी कि दूसरे वाले बॉटम पर भी आपने जितना फ्रंट में लिया था, यानी कि जितना आपने उसमें लिया था, सेम टू सेम इसमें लेना है 7 इंचेस। और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन करते हुए आपने इसमें सीधा लाइन, मतलब कि तिरछा लाइन ड्रॉ कर देना है। अब आपने यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है। 2-3 बारी आप यहाँ पर करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे तिरछी सिलाई देनी है। अब आगे से कपड़े को सही खींचते हुए आपने, सही प्लेन करते हुए अब आप यहाँ पर ऊपर तक सिलाई लगाते चले जाएंगे। ऊपर से किनारे किनारे पे, यानी कि 1 इंच इतना मार्जिन छोड़ते हुए आपने सिलाई करते चले जाना है। अब ये जो क्रोच एरिया आ जाता है, इसको गोलाई में ही आपने अच्छे से खींचना नहीं है कपड़े को, एकदम आराम से गोलाई में आपने स्टिच करना है। उसके बाद नीचे दूसरे वाले पोचे को भी, बॉटम को भी स्टिच कर लेंगे। 2-3 सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, फैब्रिक या बुकरम, इसे कटिंग करके आप अलग निकाल लीजिए, ताकि अड़े ना, मोटा मोटा ना दिखे। अच्छे से छटाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। इंटरलॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ दोनों पार्ट्स को, यानी कि फोल्ड करना है। ये इसलिए फोल्ड कर रहे हैं ताकि हम इंटरलॉक ना कर पाए। कभी की इंटरलॉक की मशीन घर में नहीं होती है, तो कैसे करना है वो चीज़ ध्यान रखिए। दोनों फैब्रिक को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। और आपने किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे आप फोल्ड करते हुए चले जाएंगे ऊपर तक और सिलाई लगाते चले जाएंगे किनारे किनारों पे।
देखिए इस तरीके से सिलाई हमारी रेडी है और सलवार भी हमारी रेडी है। आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने सलवार की बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। ये देखिए इसका बॉटम है पोंछा जिस तरीके से फिनिशिंग से बना हुआ है और सलवार आपकी रेडी है। हैवी साइज़ की है 52 हिप की। वीडियो पसंद आती तो लाइक्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।